जून 2020 में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ गलवान घाटी के पास तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों ने संभावित चीनी को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने जैसी कई गतिविधियां की हैं। सेना ने गलवान में ऊंचाई वाले स्थानों पर अत्यधिक ठंड में क्रिकेट खेलने वाले जवानों की तस्वीरें भी जारी की हैं। हाल ही के महीनों में जवानों ने पूर्वी लद्दाख में जमी हुई पेंगोंग झील पर हॉफ मैराथन की थी। 26 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ संबंध तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक कोविड लॉकडाउन की शुरुआत में हुई आमने सामने की चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता। गलवान में 2020 में भारतीय सेना और चीनी सैनिक आपस में भिड़ गए थे, उसी साल महामारी भी शुरू हुई थी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सितंबर 2022 में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भारतीय सैनिकों और उनके समकक्षों ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी की थी। मई 2020 से जब चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर यथास्थिति को आक्रामक रूप से बदलने की कोशिश की थी। दोनों पक्षों को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास अग्रिम चौकियों पर तैनात किया गया था, जो गलवान संघर्ष के मद्देनजर एक बिंदु के रूप में उभरा था। दिल्ली और बीजिंग फरवरी 2021 में 135 किलोमीटर लंबी पेंगोंग झील से हटने के लिए एक समझौते पर पहुंचे थे। जब तक कि सभी बकाया सीमा मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक बफर जोन बनाए जाते हैं। एलएसी पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए हथियारों के साथ एलएसी पर अग्रिम चौकियों पर 2020 से 50,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया था।